उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही हुई है। तपोवन के पावर प्रोजेक्ट बहने की सूचना मिल रही है। बताया जा रहा है कि कई लोग इसमें बह भी गए। प्रशासन मौके पर पहुंच गया है। राहत और बचाव का काम जारी है। चमोली जिले के तपोवन क्षेत्र में रेनी गांव में एक बिजली परियोजना के पास अचानक हिमस्खलन के बाद धौली गंगा नदी में जलस्तर बढ़ गया। चमोली के जिलाधिकारी ने अधिकारियों को धौली गंगा नदी के किनारे बसे गांव में रहने वाले लोगों को बाहर निकालने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पुनित गांधी जुड़े हैं। पुनित, क्या कुछ जानकारी है? भारी तबाही हुई है ग्लेशियर टूटने से। जी कृतिका, आपको बता दें कि उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही हुई है। जिले के रेणी गांव के पास ये ग्लेशियर टूटा है। राहत और बचाव कार्य की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है। इसमें कई ग्रामीणों के घर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं और कई ग्रामीणों के पानी में बहने की सूचना मिल रही है। आईटीबीटी के 200 से ज्यादा जवान राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश और श्रीनगर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं इस घटना से जानमान के नुकसान की बड़ी आशंका है। ये घटना तकरीबन सुबह 8 से 9 बजे के बीच हुई है। चमोली में जिलाधिकारियों ने अधिकारियों को धौली गंगा नदी के पास बसे गांवों को लोगों के जाने के बाहर निकालने के निर्देश दिए हैं। वहीं सीएम ने भी राहत और बचाव कार्यों को तेज करने के निर्देश दिए हैं। कुछ देर बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौके पर पहुंच सकते हैं। जी कृपया, शुक्रिया पुनीत तमाम जानकारी के लिए। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।